हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इंफोटेक चैनल। क्लोजअप सॉन्ग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर देखें, जयमाल का कार्यक्रम यहां पर शुरू किया गया है। कभी कभी क्या होता है कि शादियों में लोग मंडप में ही जयमाल का कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, तो वहां पर आप जयमाल के लिए हमने बताया था कि आप गाना लगा सकते हैं वहां पे, मिलन अभी आधा अधूरा है, विवाह मूवी का। तो चलिए यहाँ पे टाइप करते हैं मिलन, MILAN, मिलन अभी आधा अधूरा है, जयमाल। कॉपी कर लें ऑडियो को और यहाँ पे 1VA पर पेस्ट कर दें। हमने पेस्ट कर दिया है, ऑडियो म्यूट कर दे रहे हैं। गाना कंप्लीट हो चुका है। जब गाना कंप्लीट हो जाए तो पुनः इस वीडियो को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल एक्स, और प्रोजेक्ट के सीक्वेंस में जाकर वहां पेस्ट कर लें, शिफ्ट ए, और इसे कॉपी कर लें और लाके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद अब आगे कर्सर बढ़ाकर देख लें कि कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। तो अभी कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा है, लड़का आया है, जयमाल हुआ है, लड़का बैठा था। तो उसके बाद से आप गाना लगा सकते हैं, मेरा सोना सजन घर आया। ऑडियो को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर लाकर 1A पर पेस्ट कर देना है। ये वाला गाना नहीं है, ये दूसरा गाना है उसी पर। तो फिर उस गाने को आपको ढूंढना है, मेरा सोना सजन घर आया। अगर जो गाना नहीं मिल रहा है तो आप गाना लगा दीजिए वादिय इश्क से आया है मेरा शहजादा, वादिय इश्क से आया है मेरा शहजादा। मिल गया है ऑडियो, इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे 1A पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फॉरवर्ड करके देख लेना है कहाँ तक जा रहा है और आगे का कार्यक्रम क्या है। तो आगे का इसके कार्यक्रम आपका हस्त मिलाप का है, तो इसके बीच में जो भी फॉल्ट आई होंगी, वीडियो कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसे हटाकर कंप्लीट कर लेंगे कि डायरेक्ट हस्त मिलाप की वीडियो आ जाए। चलिए ऑडियो को यहाँ पे हम म्यूट करेंगे और यहाँ पे 1VA को सिलेक्ट रखेंगे और इंसर्ट मोड को ऑन रखेंगे। गाना कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे कट कर लेना है। और जहां पर भी आपका गाना कंप्लीट हो जा रहा है तो वहां कट करने के बाद से हाईलाइट कर दे रहे हैं और जितनी वीडियो है उसे सेलेक्ट कर लेनी है, कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पर खाली वाले पे क्लिक करके 1VA पर कर्सर शुरू में रख के पेस्ट कर लेना है। वापस आके सबको कॉपी कर लेना है और सीक्वेंस 1 पे लाके पेस्ट कर देना है। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे हस्तमिलाप का कार्यक्रम है, तो हस्तमिलाप के समय आप गाना लगा लें हाथ सीता का राम को दिया। तो इम्पोर्ट सीक्वेंस में जाएं, ब्राउज को क्लिक करें और टाइप करें हाथ सीता का राम को दिया। ओके, ऑडियो को कंट्रोल सी कर लें, सीक्वेंस 1 में आ जाएं और 1A पर पेस्ट कर दें। बढ़ाकर देख लें तो कहां तक कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम यहां तक कंप्लीट हो गया है। ऑडियो को म्यूट कर लें, 1VA पर आ जाएं और वीडियो को एक बार कंप्लीट रूप से देख लें। सही है, कॉपी कट कर लें, इसे कंट्रोल एक्स कर लें और प्रोजेक्ट में ले जाकर इसे पेस्ट कर दें 1VA पर, शिफ्ट ए, ऑडियो छोड़ दें, कंट्रोल सी और पेस्ट कर लें। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट करने के बाद अब आगे का कार्यक्रम देखना है क्या हो रहा है। तो विवाह का ही कार्यक्रम अभी चल रहा है, तो हस्तमिलाप के बाद आप गाना लगा लें आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। जब हस्तमिलाप के बाद से शादी का कोई भी कार्यक्रम हो रहा हो, तो अगर जो ये गाने आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप उसकी जगह पे दूसरा कोई भी गाना लगा सकते हैं जो कि मंडप में चलने लायक हो। जैसे एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, जैसे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये गाना लगा लें। ऑडियो को हमने कॉपी कर लिया है, सीक्वेंस 1 यानी कि जिसपे हमें काम करना है उस पर 1A पर लाकर हमने पेस्ट कर दिया और बढ़ाकर चेक कर ले रहे हैं कि ये कहाँ तक कार्यक्रम है अभी। तो यहाँ तक है। अब वीडियो को चेक कर लेते हैं यहाँ पर, तो वीडियो की क्लिप सभी की सभी सही है, बिल्कुल सही जा रही है। तो यहाँ से सिलेक्ट करना है जहां तक आपकी वीडियो की क्लिप है और कंट्रोल एक्स कर देना है।
कंट्रोल एफ करने के बाद से आपको सीक्वेंस में जाना है, खाली जगह पर डबल क्लिक करना है, नए टैब पर कर्सर को शुरू में रखना है, 1VA पर पेस्ट करना है, वापस आ जाना है जिस सीक्वेंस पर आपने पेस्ट किया था, शिफ्ट ए से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है ऑडियो को छोड़कर, और सीक्वेंस 1 पे आके 1VA पर पेस्ट कर देना है। अतिरिक्त अगर जो ऑडियो वीडियो कुछ भी आ गया हो तो उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। अब पुनः एक बार और आगे बढ़ा के आपको चेक कर लेना है कि क्या हो रहा है। अभी एक और मंडप के आप गाने लगा सकते हैं, तो पुराने गाने को आप डिलीट कर दीजिए। और चलिए अब चलते हैं अपने सीक्वेंस में और वहां चल के हम देखते हैं कि कौन से गाने लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे गाने हैं, आपको जो गाने लगाना चाहते हैं आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप गाना लगा सकते हैं प्रेम रतन धन पायो, हमने सेलेक्ट कर लिया है। और गाने को हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया है सीक्वेंस 1 में आके, जहां पे हम अपना एडिट कर रहे हैं, 1A पर पेस्ट कर दिया। गाना यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब आपको आ जाना है 1VA पर और यहाँ पे इंसर्ट मोड को ऑन कर लेना है और यहाँ से कंप्लीट रूप में इसे फॉरवर्ड करके चेक कर लेना है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फेरे का कार्यक्रम हो रहा है। कहीं कहीं क्या होता है कि जो सिंदूरदान होता है सिर्फ उसका ही फेरा लगाया जाता है, तो वहां पर आपको फेरे के गाने लगा देने हैं। और कहीं कहीं फेरे भी लगवाए जाते हैं, कहीं कहीं शुरू में भी लगवाए जाते हैं, कहीं कहीं सिंदूरदान के बाद भी लगाए जाते हैं। तो उस अवस्था में आपको क्या करना है दोस्तों, उसको बारीकी से समझना होगा सबसे पहले। तो इस गाने को सबसे पहले हम कंप्लीट कर लें इसकी वीडियो एडिटिंग। तो हमने सेलेक्ट किया इसे, कंट्रोल एक्स किया और इस सीक्वेंस में जाकर पेस्ट कर दिया, और जहां तक भी हमारी वीडियो गई है वहां तक से सभी के सभी क्लिप को कॉपी करके अपने अपने क्लिप में हमने लाके पेस्ट कर दिया। अभी हमारी एक मिक्सिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन इसके आगे की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि सिंदूरदान से पहले ही सिनोरा से ही फेरे लगाए जा रहे हैं, लड़के लड़की फेरा नहीं ले रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा और फॉरवर्ड करके हम देख लेते हैं, क्या बाद में फेरा तो नहीं कराएगा? तो नहीं, बाद में फेरा नहीं कराएगा, हमने आगे बढ़ा के देख लिया। तो यहाँ पर अब आपको गाना लगा देना है 7 फेरों के 7 वचन या जब तक पूरे ना हो फेरे 7। तो चलिए 7 फेरों के 7 वचन गाना हम लगा देते हैं, इंपोर्ट सीक्वेंस में गए और यहाँ पे 7 फेरों के 7 वचन। इसे इंपोर्ट कर लेना है जब भी फेरे हो, तो ये सबसे बढ़िया गाना होता है 7 फेरों के 7 वचन। नहीं तो आप दूसरा गाना लगा सकते हैं, जब तक पूरे ना हो फेरे 7। तो यहाँ पे 1A पर हमने अपने ऑडियो को पेस्ट कर दिया और यहाँ पे 1VA पर आकर चलिए इसे हम देख लेते हैं कि यह वीडियो कैसा है। हमने वीडियो बढ़ा के देख लिया, अब यहाँ पे सिंदूरदान का कार्यक्रम होगा फेरे के बाद। तो एक ही इसी गाने में ही फेरा कंप्लीट हो गया है, तो फेरे वाले ऑडियो को हमने सेलेक्ट किया और इसे कट कर दिया, और कट करने के बाद अल्ट यस कर इसे हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, और एक्सपेंड करने के बाद से इसे ऑडियो को थोड़ा सा नीचे की तरफ म्यूट कर दिया। म्यूट करने के बाद से वीडियो को हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल एक्स और गाने के प्रोजेक्ट में ले जाकर हमने इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद क्लिप से जितना क्लिप वीडियो इफेक्ट मिला कॉपी किया और लाके 1VA पर पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद सिंदूरदान का है, तो सिंदूरदान का गाना लगाएंगे। तो सिंदूरदान के गाने के लिए आपको लगाना है चिटकी भर सिंदूर से मांग तूने मेरी सजा दी या मांग तेरी सजा दूं मैं, ये गाना आप लगा सकते हैं। इन दोनों में से बढ़िया गाना है चिटकी भर सिंदूर से।
तो आपको इंपोर्ट सीक्वेंस में जाना है और टाइप करना है चुटकी, इसमें नहीं है, दूसरे वाले में जाना है। तो देखें यहाँ पे आ रहा है, चुटकी भर सिंदूर से तूने मांग मेरी सजा दी। इसको ओपन कर लेना है, ऑडियो को कॉपी कर लेना है और सीक्वेंस वन में आके 1A पर पेस्ट कर देना है और सुनना है। ऑडियो को म्यूट कर दे रहे हैं। अब इसे बढ़ाकर चेक कर लेना है पूरा कंप्लीट रूप से कि क्या हो रहा है। सुमाम का कार्यक्रम है, बहुत ही कम है, तो इसी ऑडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, इस ऑडियो के हिसाब से जितने भी वीडियो थे, कंट्रोल एक्स और चुटकी भर सिंदूर वाले प्रोजेक्ट में आकर खाली जगह पर डबल क्लिक किया और 1A पर इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद पूरे क्लिप को कॉपी किया ऑडियो को छोड़कर और फिर सीक्वेंस 1 पे लाके पेस्ट कर दिया और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे पॉइंटर बढ़ाकर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो चुमावन हो रहा है और कोहबर का कार्यक्रम हो रहा है, तो उस समय आपको गाने लगा देना है। अगर जो चुमावन के गाने लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं होला चुमावन आज हो सिया रघुवर के, तो चुनाव के बाद जब देवकुरी में जा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं मेरे सामने तू दिन रात रहे मेरे साथी तू हमेशा मेरे साथ रहे, या दूसरा गाना लगा सकते हैं तुझे चाहा था तुझे पाया है अब जाके राम पर यकीन आया है। तो यही गाना लगा देते हैं, अच्छा है। तुझे मांगा था तुझे पाया है, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। ओके, ऑडियो को कॉपी कर ले रहे हैं, सीक्वेंस 1 पे आना है और 1A पर पेस्ट कर देना है और उसके बाद से 1B पर आकर अपने वीडियो के क्लिप को देख लेना है। अब ये कोवर का जब काम कंप्लीट हो जाए तो अब मत ढक्का का कार्यक्रम होता है, तो ये यहीं तक कंप्लीट होता है। तो इस ऑडियो को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ स्मूथ कर दे रहे हैं ताकि ऑडियो हल्के से गिरे और पूरे वीडियो क्लिप यानी कि इस ऑडियो के अंतर्गत जितने भी वीडियो क्लिप आ रहे हैं उसे सिलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट में ले जाकर पेस्ट कर देंगे ताकि इसकी एडिटिंग हो सके। और जहां तक भी ये आया इसे सिलेक्ट करके कट कर लेना है और कॉपी कर लेना है और सीक्वेंस 1 पे लाके पेस्ट कर देना है। अब मधड़का का कार्यक्रम हो रहा है, तो मधड़का का कार्यक्रम में बहुत ही बढ़िया गाना है, वहां पे आपको लगाना है सास के पार्वती रहुए के शिवजी बूझे भम। तो चलिए उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या हमने सीक्वेंस पहले से बना के रखा है प्रोजेक्ट फाइल की नहीं। तो अपने प्रोजेक्ट में आ गए और टाइप किया सास के पार्वती, सास इसमें नहीं है, इसमें भी आके देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है। तो चलिए इसके लिए ओरिजिनल ऑडियो लाएंगे हम। ओरिजिनल ऑडियो लाने के लिए बीन नाम के फोल्डर में जाना है और यहाँ राइट क्लिक करके ऐड फाइल और यहाँ पे मधड़का टाइप करना है, मधड़का मॉर्निंग और यहाँ पे देखेंगे गाना है सास के पार्वती रघुवे के शिव जी बुझे भम। डबल क्लिक करके ओपन कीजिए और इस ऑडियो को लाके यहाँ पर रख दीजिए। हमने रख दिया, अब थोड़ा सा इसे फॉरवर्ड करके देख लेना है। अब यहाँ पे ऑडियो को म्यूट कर देंगे और इसे आगे हम बढ़ाकर चेक कर लेंगे। कंप्लीट रूप में यहीं में वीडियो खत्म हो रही है, तो ऑडियो को हम यहीं पर कट कर लेंगे और ऑडियो को थोड़ा सा फैला देंगे ताकि ऑडियो स्मूथ रूप में यहाँ पर नीचे की तरफ गिरे। अब इसके लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो इस पे इफेक्ट अलग से लगाना है। अब आगे बढ़ाकर देख लेना है कि आगे का क्या प्रोग्राम है। तो आगे का प्रोग्राम डायरेक्ट लड़की के घर आ गया है, परछावन नहीं है, तो यहाँ पर विदाई का एक गाना लगा लीजिए। विदाई के गाने में आप लगा सकते हैं बाबुल का घर छोड़ बेटी पिया के घर चली। तो हमने इस सीक्वेंस को सिलेक्ट कर लिया है, ऑडियो को कॉपी कर लिया है
और सीक्वेंस वन पे पेस्ट कर दिया। आगे चला गया है तो यहाँ से ओवरराइट मोड ऑन कर लेंगे, कंट्रोल भी और ऑन। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।